जी ये जनाब है ओट्स, और इसके ये फ्लेवर्स हैं। दो चटपटा फ्लेवर्स लिए थे और एक स्ट्रॉबेरी एक बनाना लिया था फ्लेवर, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। हम लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई की थी तो वो वीडियो मुझे डालनी याद नहीं थी, तो मैंने सोचा आज इसकी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी भी और तरीका भी। लास्ट टाइम हमने ये ट्राई किया था और अभी हम देख रहे हैं कौन सा ट्राई करें। ये दो फ्लेवर सेम है और बाकी जो है तीन फ्लेवर अलग अलग हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत यमी है, डाइट के लिए भी बहुत अच्छे हैं और आप इसको आम रूटीन में अब हेल्दी मील के तौर पर भी ले सकते हैं। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ ये बनाने वाला, क्योंकि स्ट्रॉबेरी वाला हम लोगों ने टेस्ट किया था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो अभी जो है मैं इसको बनाऊँगी बनाना नट्स एंड फ्लेवर इंस्टेंट ओट मील। तो ये एक हेल्दी फूड है, आप इसको डाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको तरीका जो है मैंने पीछे लिखा हुआ है, माइक्रोवेव में भी आप बना सकते हैं, आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। ये शान वालों ने बनाया है और बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको सिर्फ आपने 1.5 कप पानी डाल के तो उसमें अच्छी तरह से बॉयल करना है 3 से 4 मिनट, और उसके बाद आपने इसको सर्व कर लेना है। तो चले बनाते हैं ओट्स और फिर आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर कर। अच्छा जी, यहाँ जो है ना मैंने ओट्स बनाने के लिए जो है ना पानी 1.5 कप डाल दिया है मैंने, और अब हम इसको बनाएंगे। कहाँ गया बून? अच्छा, से कुछ इस तरह का है ये, और इसके ऊपर लिखा कुछ नहीं हुआ। अब हम इसको ओपन करेंगे और अब हम इसके अंदर इसको डालेंगे जैसे पानी गर्म होना शुरू हो गया जी। अंदर से ये कुछ इस तरह है, बीच में नट्स हैं और ओट्स हैं, और अब हम इसको डालेंगे इसके अंदर, इसको करेंगे स्लोली स्लोली मिक्स, और इसको हमने 3 से 4 मिनट तक जो है ना वो पकाना है, और उसके बाद इसको हम खाएंगे। और ये जनाब इसको अच्छी तरह से इस तरह हमने पकाना है। अभी ये बिल्कुल पतला है और थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो ये गाढ़ा होता जाएगा। ये देखें इस तरह से हो गया ये, जैसे जैसे गाढ़ा होता जा रहा है। आपने पूरी क्यों नहीं खाई जी? ये कुछ इस फॉर्म में हो गई है, और इसके बाद अब मैं इसको डालूंगी प्याले के अंदर, और अगर आप चाहें तो आप इसको मजीद थिक भी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इसको एज इट इज पतला सा भी दे सकते हैं। अब ये हमारे ज़बरदस्त से ओट्स जो है ना रेडी हो चुके हैं। चाहे तो आप इसको गर्मा गर्म ले सकते हैं, और चाहे तो आप इसको एज इट इज ठंडा करके जो है ना आप तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है ये डाइट के लिहाज से। मुझे जो है ना इनका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत मज़े का लगा था, मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला जो है ना ओट्स। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ और उम्मीद है ये भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ओट्स जो है ना ये वाले ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। और आप इनका मेरा जो रिव्यू है ना इसके हवाले से वो बहुत अच्छा है और मुझे बहुत मज़े का लगा है। तो डाइट के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं, और अगर आप एक हेल्दी मील सुबह के टाइम लेना चाह रहे हैं तो उसके लिहाज से भी ये बहुत 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 ज़बरदस्त हैं। तो वीडियो को लाइक जो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।